18 सितंबर 2016 को उरी में आतंकी हमला हुआ था। सुबह 5:30 बजे जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के उरी में स्थित भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया था। हमले में 19 जवान बलिदानी हो गए थे और कई जवान घायल भी हुए थे, जिसके बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 6 घंटे के भीतर मुठभेड़ में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया था। वहीं इसके 10 दिन बाद भारतीय सेना के 150 कमांडो 28-29 सितंबर की आधी रात को दुश्मन की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ये पहला मौका था जब आतंकियों के खिलाफ दुश्मन की सीमा में घुसकर भारतीय सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया था। भारतीय सेना ने वहां भिम्बर, केल, तत्तापानी और लीपा इलाकों में आतंकियों के कई लॉन्च पैड्स उड़ा दिए थे। कमांडोज ने इस तरह ऑपरेशन को अंजाम दिया कि पाकिस्तानी सेना को भारत के कदम का आभास तक नहीं हुआ। रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पूरी मुस्तैदी से इस मिशन में आतंकवादियों की हर हरकत पर नजर रखी थी। इस ऑपरेशन में 38 आतंकियों को मार गिराया गया था। 18 सितंबर 1958 को महान स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी और शिक्षाविद पंडित भगवान दास का निधन हुआ था। उन्होंने भारतीय शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया था। वो विशेष रूप से काशी विद्यापीठ की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में पंडित भगवान दास ने अन्य राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर की थी। इसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को शिक्षा देना, उनमें राष्ट्रवाद, स्वराज और स्वतंत्रता के विचारों को बढ़ावा देना था। ये विद्यापीठ भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक बड़ा कदम था, क्योंकि उस समय अधिकांश शैक्षणिक संस्थान अंग्रेजी शासन के प्रभाव में था। काशी विद्यापीठ ने छात्रों को भारतीय संस्कृति, परंपरा और मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रदान की। वहीं पंडित भगवान दास को उनकी सेवाओं के लिए 1955 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पंडित भगवान दास का जन्म 12 जनवरी 1869 को वाराणसी में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा काशी में प्राप्त की। उन्हें भारतीय दर्शन, संस्कृति और संस्कृत भाषा में विशेष रुचि थी। 18 सितंबर 1803 को अंग्रेजों ने ओडिशा राज्य पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। ये घटना भारत के इतिहास में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। इस कब्जे से अंग्रेजों ने ओडिशा के सामरिक और आर्थिक महत्व वाले क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, जो उन्हें बंगाल और मद्रास के बीच एक स्थिर मार्ग प्रदान करता था। बताया जाता है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। 1757 में पलासी और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल और बिहार पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद उनकी नज़र ओडिशा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर थी, जो बंगाल के दक्षिण में स्थित था और व्यापारिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण था। उस समय ओडिशा पर मराठों का शासन था, क्योंकि 1751 में मराठों ने मुगलों से ओडिशा को जीत लिया था, जिसके बाद 1803 में अंग्रेजों ने मराठा शक्ति को कमजोर करने के उद्देश्य से ओडिशा पर आक्रमण किया था और फिर आज ही के दिन अंग्रेजों ने ओडिशा पर औपचारिक रूप से अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। 18 सितंबर 1967 को नागालैंड ने आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी भाषा को अपनी राजकीय भाषा के रूप में अपनाया था। नागालैंड में 16 जनजातियां रहती हैं। प्रत्येक जनजाति अपने विशेष रीति रिवाजों, भाषा, वेशभूषा के कारण एक दूसरे से अलग हैं। नागालैंड के सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए एक साझा भाषा की आवश्यकता महसूस की गई, जो सभी जनजातियों के बीच संवाद का माध्यम बन सके। इसके बाद ही यहाँ अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया गया। भाषा और धर्म इन जनजातियों के लोगों को आपस में जोड़ते हैं। अंग्रेजी राज्य की आधिकारिक भाषा होने के साथ ही यहाँ की शिक्षा की भाषा है। नागालैंड की बड़ी आबादी अंग्रेजी बोलती है। यहाँ हिंदी, नेपाली, बांग्ला और असमिया भी बोली जाती है। नागालैंड का नाम अंग्रेजों ने रखा था। अंग्रेजों ने नागालैंड के कई लोगों को प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए फ्रांस और यूरोप भेजा था। इन लोगों ने नागालैंड लौटकर अंग्रेजी का प्रचार किया। इनमें से कई ने मिलकर नागा नेशनल मूवमेंट की स्थापना की। बता दें कि पहले नागालैंड असम का हिस्सा था। केंद्र सरकार और नागालैंड के लोगों के बीच बातचीत के बाद ये 1 दिसंबर 1963 को अलग राज्य बना था।
18 सितंबर 1998 को ICANN यानी इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स की स्थापना हुई थी। ये एक गैर लाभकारी संगठन है जो इंटरनेट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी कार्यों को संचालित और समन्वयित करते हैं। इसका मुख्य कार्य डोमेन नाम प्रणाली का प्रबंधन करना और इंटरनेट प्रोटोकॉल पते को आवंटित करना है। ICANN की स्थापना इसलिए की गई ताकि इंटरनेट को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक नामकरण और संबोधन प्रणालियों का समन्वय किया जा सके। इसके पहले इंटरनेट से संबंधित इन महत्वपूर्ण कार्यों को अमेरिकी सरकार के अधीन एक एजेंसी संभालती थी, लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट का विस्तार हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका उपयोग बढ़ा, एक स्वतंत्र और गैर सरकारी संस्था की आवश्यकता महसूस की गई। इस कारण ICANN का गठन किया गया। इंटरनेट पर यदि कोई साइट खोलनी है या किसी को मैसेज करना है तो उसके लिए एक पता चाहिए होता है। उसी पते को कोऑर्डिनेट करने वाली संस्था है ICANN। इसे इंटरनेट की फोन बुक भी कहते हैं। 18 सितंबर 1851 को न्यूयॉर्क में एक प्रमुख अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हेनरी जार्वस रेमंड और जॉर्ज जॉन्स ने की थी। इसे शुरुआत में न्यूयॉर्क डेली टाइम्स के नाम से शुरू किया गया था। 1857 में इसका नाम बदलकर द न्यूयॉर्क टाइम्स कर दिया गया। इसका मुख्य सिद्धांत था All the news that's fit into print, यानी सिर्फ वही खबरें जो प्रकाशित करने योग्य हैं। यह सिद्धांत आज भी द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए महत्वपूर्ण है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए अब तक 130 से अधिक पुलित्जर पुरस्कार जीते हैं, जो इसे किसी भी अन्य समाचार पत्र से ज्यादा प्रतिष्ठित बनाता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने समय समय पर कई प्रमुख घोटालों और युद्धों पर रिपोर्ट की है, जिसमें 1971 में प्रकाशित पेंटागन पेपर्स विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस रिपोर्ट ने वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सरकार की भूमिका पर बड़ा खुलासा किया था। रिदम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रिदम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रिदम मीडिया ने खास आपके लिए TV और वेब सीरीज सेक्शन जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा, फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रिदम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।